अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। खबर यह है कि अनिश्चितकाल के लिए आज संसद की कार्यवाही स्थगित हो सकती है। बिल्कुल दीपा, बड़ी खबर यही, अनिश्चितकाल के लिए संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो सकती है, क्योंकि लगातार इसके पिछले दिनों हमने देखा कि संसद में हंगामा होता आया है। तय समय से एक दिन पहले संसद की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो सकती है। लगातार चल रहे हंगामे के चलते एक दिन पहले ही कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। टेनी को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जो कि हमने संसद में देखा भी, और आज भी इसको लेकर हंगामा हो सकता है, और हंगामे के बाद कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा सकता है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि विपक्ष की ओर से ये मांग भी की जा रही थी कि सत्र काफी छोटा है, जो मुद्दे हैं उसमें डिस्कशन नहीं हो पाता है। लेकिन उसके बाद अजय मिश्रा ट्रेनी का जो मुद्दा है हर बार उठता है, हर दिन इस पर हंगामा हो रहा है, आज भी इस मुद्दे पर हंगामे होने के पूरे आसार हैं, और हंगामे होने के बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित किया जा सकता है। तो ट्रेनी को लेकर विपक्ष संसद में लगातार हंगामा कर रहा है, और इस हंगामे के चलते आज सदन की कार्यवाही को स्थगित भी किया जा सकता है। एक दिन पहले ही सदन की कार्यवाही स्थगित हो सकती है। बिल्कुल गुंजन, क्योंकि विपक्ष है कि मानता नहीं, विपक्ष लगातार अड़ा हुआ इस पूरे मामले को लेकर। यह बार बार कहा गया कि जब तक इस्तीफा लिया नहीं जाएगा तब तक इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। इसको लेकर जो डिटेल्स है, हाईलाइट्स है, वो आपको बताते हैं। आज खत्म हो सकता है सत्र, ये कहा जा रहा है। पहले 23 दिसंबर को खत्म होना था, यानी कि कल होना था, लेकिन अब खबर यह है कि आज ही सत्र को स्थगित किया जा सकता है अनिश्चितकाल के लिए। एक दिन पहले खत्म हो रहा है विपक्ष का हंगामा, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, दो मसलों को लेकर, सांसदों का निलंबन और टेनी की बर्खास्तगी, इसके बाद अब कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है। हंगामे की वजह से कार्यवाही लगातार प्रभावित हो रही है, टेनी की बर्खास्तगी पर रोज हंगामा हो रहा है, और साथ ही सदस्यों के निलंबन पर भी हंगामा हो रहा है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर लामबंद है, और बार बार ये कहा गया कि जब तक इस पर कोई फैसला सरकार नहीं लेती है, इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ेगा नहीं। अब थार वाली तकरार संसद में आर पार है क्या, वो भी आप समझिए। टेने को हटाने की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है, गांधी प्रतिमा के सामने धरना विपक्ष आज देने वाला है। धरने की अगुवाई खुद सोनिया गांधी, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो करने वाली हैं। कल विपक्ष ने विजय चौक तक मार्च निकाला था, वो तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई थी। विपक्ष का सरकार पर मनमानी का आरोप है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल ने ये कहा कल कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, बर्खास्तगी नहीं होगी अजय मिश्र टेनी की, तब तक इस मुद्दे को विपक्ष छोड़ेगा नहीं, इस मुद्दे को वो खींचते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं लिया जाता। गुंजन, बिल्कुल दीपा, इस मुद्दे को लेकर लगातार हमने हंगामा देखा भी, और इस हंगामे के चलते आज सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी हो सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ दीपा। अविनाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अगर देखें तो इस मुद्दे पर हमने लगातार पिछले 3 दिनों से हंगामा देखा है, आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं, और हंगामा होने के बाद कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया जाएगा अनिश्चितकाल के लिए। देखिए, अगर बात करें तो संसद में पिछले गुरुवार से ही हंगामा मचा हुआ है, जब SIT की वो रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा ने जानबूझकर इस घटना को अंजाम दिया है, और उसमें धाराएं बढ़ाने की बात की गई थी। इसके बाद से लगातार संसद के अंदर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी लगातार लखीमपुर खीरी कांड को लेकर संसद के अंदर चर्चा चाहती है, लेकिन सरकार इसको लेकर अलाउ नहीं कर रही है, और यही कर रहे कि तमाम तरह जो विपक्षी दल के नेता हैं वो इस पर हंगामा कर रहे हैं। आज भी अगर बात करें तो कांग्रेस के कई सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव को नोटिस देने का विचार किया हुआ है, जहां पे वो लोकसभा और राज्यसभा में इस बात के लिए स्थगन प्रस्ताव को नोटिस देंगे कि लखीमपुर खीरी कांड को लेकर चर्चा की जाए और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। इसी को लेकर समूचा विपक्ष एकजुट है और लगातार इस बात को लेकर चर्चा करना चाहता है, और इसीलिए संसद के अंदर हंगामा कर रहा है। अगर बात करें तो जो संसद की शीतकालीन सत्र की तारीख तय हुई थी वो 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक के लिए हुई थी, लेकिन जिस तरीके से पिछले गुरुवार से लगातार हंगामा मचा हुआ है उसके बाद सरकार ने अब यह तय किया है कि आज ही वो इस सत्र को समाप्त कर देगी और लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो फरवरी 2022 में 1 फरवरी को बजट सत्र शुरू, बजट लाना है और देश का जो बजट है वो पेश किया जाएगा, उसके पहले बजट सत्र की जो है घोषणा की जाएगी, तो लिहाजा आज शीतकालीन सत्र को समाप्त करने की घोषणा की जा सकती है। 12 सांसद जो राज्यसभा के निलंबित हुए हैं वो लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो उनका प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के साथ चल रहा है, दूसरा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। उसी के मद्देनजर आज तमाम तरह विपक्ष दल के नेता एक बार फिर से गांधी प्रतिमा के सामने जुटेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार से जवाब मांगेंगे।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, पूरी जानकारी के लिए लगातार आप नजर बनाए रखेगा। आज के आपको छोटा किस तरीके से हंगामा किया जाता है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अब निलंबन पर संसद में संग्राम, निलंबन जो हुआ है सांसदों का उसको लेकर संसद में संग्राम हो रहा है। 29 नवंबर को शुरू हुआ सत्र, आपको हाइलाइट्स बता रहे हैं अभी तक क्या कुछ हुआ है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ और पहले ही दिन 12 सांसद निलंबित कर दिए गए, जिसमें कांग्रेस के 6 सांसद, शिवसेना के 2 सांसद निलंबित हुए और साथ ही टीएमसी के 2, सीपीआई सीपीएम के 1-1 सांसद को निलंबित कर दिया गया। निलंबन को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है, अब इसको लेकर भी हंगामा हो रहा है। आज भी जब कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो किस तरीके से हंगामा होगा, विपक्ष किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता है, इस पर लगातार नजर होगी।